साथी न साथी पप्पू निषाद, पप्पू निषाद, पप्पू निषाद को देखे हैं? ना देखे नहीं है, एका राहुल और अखिलेश लड़ावा थे पार्टी के समझ के वोट दे थे, देखी केहू बहुत थर्ड क्वालिटी का आई जाए लेकिन देवे यही पार्टी के स्तर पर वोट। जब तुम्हारे लोकसभा के आवाज संसद में ना उठाई है तो उनके देखा कर, अरे उठाए का पीठ तुराई ले कुल हड्डी, आवाज उठाई तो मार खाई जेल काटी, यह है ना जन प्रतिनिधि का मतलब का होला। अरे कुछ नहीं भैया, अब की बार निषाद 400 पार, हाँ 400 पार का 500 पार हो जाई है, हाँ बहुमत की सरकार बनी नहीं की, हाँ अखिलेश राहुल ऐसे ऐसे दिग्गज प्रत्याशी जो कि बीजेपी में शामिल हो गए उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रवीण निषाद इस समय भारी चल रहे हैं इस जिले में, इससे पहले नहीं था लेकिन प्रत्याशी के नाम पे अगर हम वोट देते हैं तो हमारी गलती है, हमें सरकार के नाम पे वोट देना चाहिए जो कि सरकार अपने अपने जगह पे या देश के स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हम चाहे कहो बहुत थर्ड क्वालिटी कुंड के पार्टी से आई आई लड़े खाती चाहे देखी चाहे ना गाय भैंस आई जाए तबो वोट दे दिया सम्मान निधि टूलेट बाटा। अरे अपनी ऐसी तैसी में जाए भैया अब माफ कर, 5 किलो ले ले जितना दिए ले उतना ले ले मगर चल जाए सरकार के। का कहवा अब की दा एनडीए सरकार बनी, एक सरकार बनी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी, एनडीए के सरकार बनी राहुल गांधी प्रधानमंत्री कैसी जब इंडिया की सरकार बनी तो कह रहा हूँ तो राहुल गांधी ने आई जब गठबंधन इंडिया बनी, अरे गठबंधन इंडिया का हम कहते हैं इंडिया इंडिया का तेल लगावे है राहुल गांधी देखा सोनिया गांधी देखा और राजीव गांधी उनके पिताजी का कहले बाटे सब का कहले बाटे पूरा देश लूट के धैल लोग कहत बा। इंदिरा गांधी अगर न होती इतिहास इंडिया में भारत में सुई नहीं मिलती। आपकी बार का हुई बस हुआ पप्पू निषाद, पप्पू निषाद गठबंधन गठबंधन कौन इंडिया की एनडीए, अरे इंडिया इंडिया कौन है बस पप्पू निषाद को वोट देखे पप्पू निषाद के देखले खोले बाटा सब जनी देखे मिल चुका और लोकसभा 62 में का हुई गठबंधन की सरकार, गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार अरे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा जी राहुल गांधी अखिलेश में का खूबी बाइसन की, अरे ये खूबी आज लोग एसी गाड़ी में से नहीं निकल रहे हैं है। राहुल गांधी तो वो नेता है कि जिसने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया वो भी रजवाड़े खानदान का रहने वाला आदमी, वो सब देश के लिए कुर्बान करने वाले उन लोगों के लिए वोट क्या जान कुर्बान है। लोकसभा 62 संत कबीर नगर में का कमाल हुई, कमाल का हुई कमल खिली कमल पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हमारे जिले में है। वो एकदम बैकफुट पे चली गई है, हाँ वेंटिलेटर पे है, वो जो भाजपा कहेगी वही वो करेंगे, उनसे वो पूरी जनता जान चुकी है उनको निग्लेक्ट कर चुकी है। नमस्कार प्रणाम शस्त्रिया का लदाब गोड़ लगता नहीं, हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र और पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के पौली में। लोकसभा 62 का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गई बा और चाहे पर चुनाव के चर्चा हुई, आज दिखावत अटी चाय के दुकान पर और चाय के दुकान पर दर्जनों लोग चाय पिए बदे दुकान पे आयल बाटे और लोकसभा चुनाव जो 62 का बाहमन आज चर्चा हुई का हाल बा। बहुत बढ़िया है, लोकसभा चुनाव के बिगुल बज गई बा। हाँ तो ठीक तो है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे का भारतीय जनता पार्टी प्रवीण निषाद और वहीं पे इंडिया यानी समाजवादी पार्टी से पप्पू निषाद और हाथी का महावत बन के आ गए, हाथी न साथी पप्पू निषाद, पप्पू निषाद, पप्पू निषाद को देखे ना देखे नहीं है, एका राहुल और अखिलेश लड़ावा थे पार्टी के समझ के वोट दे थे, देखी केहू बहुत थर्ड क्वालिटी का आई जाए लेकिन देवे यही पार्टी के स्तर पर वोट। जब तुम्हारे लोकसभा के आवाज संसद में ना उठाई है तो उनके देखा कर, अरे उठाए का पीठ तुराई ले कुल हड्डी, आवाज उठाई तो मार खाई जेल काटी, यह है ना।
जन प्रतिनिधि का मतलब का होला? अरे कुछ नहीं भैया, अब की बार पप्पू निषाद 400 पार। हाँ 400 पार का 500 पार हो जाई है। हाँ बहुमत की सरकार बनी नहीं की। हाँ अखिलेश राहुल, हाँ चाहे कहो बहुत थर्ड क्वालिटी कुंड के पार्टी से आई जाई लड़खाती, चाहे देखी चाहे ना, गाय भैंस आई जाये तबो वोट दे दिया। सम्मान निधि टू लेट बाटा। अरे अपनी ऐसी तैसी में जाए भैया, अब माफ कर 5 किलो ले ले, जितना दिए ले उतना ले ले, मगर चल जाए सरकार कैसो। हाँ कहा लोकसभा पासन, लोकसभा पासन के गठबंधन इंडिया, गठबंधन इंडिया, हाँ इंडिया, राहुल गांधी जिंदाबाद, लेकिन गठबंधन गांधी जिंदाबाद, इंदिरा गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ नहीं। का कहवा अब की दा एनडीए सरकार बनी, एक सरकार बनी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनी। हाँ एनडीए के सरकार बनी राहुल गांधी प्रधानमंत्री, कैसी का? जब इंडिया की सरकार बनी तो कहा राहुल, तो राहुल गांधी ना आई जब गठबंधन इंडिया बनी। अरे गठबंधन इंडिया का हम कहते हैं इंडिया, इंडिया का तेल लगावे है। राहुल गांधी देखा, सोनिया गांधी देखा, और राजीव गांधी उनके पिताजी का कहले बाटे, सब का कहले बाटे, पूरा देश लूट के धैल लोग कहत बा। इंदिरा गांधी अगर न होती इतिहास इंडिया में, भारत में सुई नहीं मिलती है। हाँ उन्हीं ने सब कुछ दिया, सुई तक दिया इंदिरा गांधी ने। हाँ तो करे बात का है, लोग भुला गए तो सब कब सम्मूर्ख रहे, भुलाए गए, आज उसी का खामियाजा भोग रहे हैं। वही लोग कहते हैं पप्पू है। अरे पप्पू है चाहे जे मनते रहे, राजीव गांधी और राहुल गांधी के नाम पे वोट यहाँ दिया जाएगा। अच्छा हाँ का अरे का कहा बोला, देखा यहाँ पे भैया चुनाव का सरगर्मी तेज बा, लोगन से बात करते लोकसभा 62 के, का कहा आपकी बार का हुई? बस हुआ पप्पू निषाद, पप्पू निषाद गठबंधन। हाँ गठबंधन कौन, इंडिया की एनडीए? अरे इंडिया, इंडिया का उन है, बस पप्पू निषाद को वोट देखे, पप्पू निषाद के देखले खोले बाटा सब जनी देखे मिल चुका है। और आप जो सांसद रहे प्रवीण निषाद ना देखे अब तक? आज तक न पप्पू निषाद आ रहे, देखे यहीं बैठे रहे मात्र एक दिन। आप बहन तो शुरुआत भाई जुड़ते आए ना भागे है। हाँ जन नेता बनना चाहिए ना, जो हरदम लगातार जनता के बीच में रहे। हाँ तो सही है, लेकिन राहत सुनो यार, बहुत ने दूर लंबा क्षेत्र है, कुल दौड़बे करी है, हरदम हम रहे लगे थोड़ी बैठे रही है। हाँ यहाँ पे देखा भैया लगातार यहाँ पे चुनावी सरगर्मी तेज बा, और लगातार चाय के दुकानी पर चाय पर चर्चा होत बा, लोकसभा 62 में का हुई? गठबंधन की सरकार, गठबंधन एनडीए गठबंधन की सरकार, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सरकार। अच्छा जी, राहुल गांधी अखिलेश में का खूबी बाइसन की? अरे ये खूबी, आज लोग एसी गाड़ी में से नहीं निकल रहे हैं। राहुल गांधी तो वो नेता है कि जिसने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किया, वो भी रजवाड़े खानदान का रहने वाला आदमी, वो सब देश के लिए कुर्बान करने वाले उन लोगों के लिए वोट क्या जान कुर्बान है। अरे मोदी जी कहले सबका साथ सबका विकास, अब ये विकास है सबका है। जनता से आप पूछिए, जनता से पूछ भी ले रहे हैं है। क्या बता रहे हैं, अगर खुशहाल है, अगर एक आदमी बताए कि मैं खुशहाली में जी रहा हूँ। अब की बार राहुल की सरकार। अच्छा ट्रांसफर संविधान, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल को लाना। अच्छा जी, संविधान में कौन संशोधन हुई आपकी बार? अरे जब अयोध्या के लल्लू सिंह सांसद जी वो भरे मंच से बोल रहे हैं कि 4 से पार करिए और संविधान को हमको बदलना है, इसलिए 4 पार करिए, वो खुद मंच से बोल रहे हैं, हमें अपने जुबान से बोलने क्या है। लोग वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हुई है। हाँ तो अब की बार सरकार की अगर बनी यहाँ से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस है। और भी नौजवान बाटे, नौजवानन से भी बात करब, लोग कहत बा कि अब की बार कांग्रेस का सरकार, भैया नौजवान लोग बाटे इनसे भी जानकारी ले, का हो का कहबा लोकसभा 62 संत कबीर नगर में, का कमाल हुई? कमाल का हुई, कमल खिली, कमल खिलत बा एकदम। लोग कहत बा कि अब की बार गठबंधन का सरकार,
और इंडिया गठबंधन लोग जितावत, ऐसा कुछ नहीं है। जो 400 सीटों की उम्मीद किए हैं एनडीए सरकार से, वह 4 सीट भी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। जिले का कमान किसके पास है, इन लोग से पूछिए। जिले के जिला अध्यक्ष कौन है सब कांग्रेस से? कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, क्या जानते हैं? क्या जनता के बीच कभी आए हैं? पूछिए, मैं भी इसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। अरे मेरे यहाँ का राष्ट्रीय स्तर का नेता कांग्रेस का है, तो दूसरे लोगों को हमको क्या देखना है? हमारे गांव का राष्ट्रीय स्तर का नेता है महमूद खान, तो हम और लोगों का जो जिला अध्यक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेता, हम उनकी सरबराही करेंगे कि जिला अध्यक्ष की सरबराही करेंगे? यहाँ दानिश खान हाथी का महावत बन गया। अरे दानिश खान हाथी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हमारे जिले में, वो एकदम बैकफुट पे चली गई है, वेंटिलेटर पे है। वो जो भाजपा कहेगी वही वो करेंगे, उनसे वो पूरी जनता जान चुकी है, उनको निगलेट कर चुकी है। तो कहा बाबू कहा इन लोग का हाथ बटा? अब ये लोग हो सका था अंदरूनी जानकारी हो, लेकिन ऐसा जानकारी हमारे पास तो नहीं आया अभी तक, आया होता तो जरूर बयां करते। अब की बार कौन प्रत्याशी यहाँ से लोकसभा 62 से? देखिए ऐसी चीजें हैं कि जनता के मत पे मैटर करता है कि कौन विजयी होगा, ठीक है। यहाँ अगर जनता कह रही तो हो सकता है उनकी बातें भी सही हो, लेकिन ऐसे ऐसे दिग्गज प्रत्याशी जो कि बीजेपी में शामिल हो गए, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रवीण निषाद इस समय भारी चल रहे हैं इस जिले में, इससे पहले नहीं था। लेकिन प्रत्याशी के नाम पे अगर हम वोट देते हैं तो हमारी गलती है, हमें सरकार के नाम पे वोट देना चाहिए, जो कि सरकार अपने अपने जगह पे या देश के स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हम प्रवीण निषाद को जिता दें, पप्पू को जिता दें, हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा, ना आया है ना आएगा। जो योजनाएं सरकार की हैं वो आती रहेंगी और होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के 5 योजना गिना के दिखा भाई सबके पैदा रखी कुछ कर। कौन सा योजना नहीं है? उज्ज्वला योजना यही लकड़ी से कौन सा योजना नहीं है? सुलभ शौचालय आपका क्या बोलते हैं गिना भाई, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, सुलभ शौचालय योजना और आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना और गिना है आपको, और सड़क परिवहन योजना, और आपको जो है स्वरोजगार योजना, सबसे अच्छा योजना तो यही है। रोजगार ना स्वरोजगार योजना, भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पैदा हुए हैं, बता रहे हैं ये सब योजनाएं यही 10 साल में 2014 से पैदा हुई है। स्वरोजगार योजना तो 2014 से ही पैदा हुई है, रोजगार नहीं है। हम तो जानते ही नहीं है कि वो योजना में है क्या, आप बताइए है क्या? स्वयं रोजगार कौन नहीं करता है? कौन नहीं करता है? पकौड़ा बेचे चिल्ला रहे सब है? तो आखिर बेरोजगारी के लिए कहाँ चिल्ला रहे? का माल हम लोगों की दुकान में सड़ गए, कपड़े लॉकडाउन में बंद करके जो है सड़ गए, और आज तक सुनिए नहीं बिक नहीं रहे, लोगों के पास पैसे नहीं है, हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं, तमाम दुकानें हैं यहाँ लगभग हजारों दुकानें हैं, सारे लोग परेशान हैं, एक तो चल रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि अगर हर गांव में जाएंगे आपको एक सच्चा उत्तराधिकारी मिलेगा बूथ अध्यक्ष भाजपा का, और अन्य पार्टियों का बूथ अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बकिया 2,000-5,000 दे के उनको जबरन पकड़ा जाता है कि 4-5 घंटा आप बूथ अध्यक्षी में एजेंटीगिरी करेंगे और आपको 2,000-4,000 दे दिया जाएगा, और बकिया हर गांव में अगर आप खोजेंगे बूथ अध्यक्ष के मामले में तो कहीं ना कहीं भाजपा का एक ना एक उत्तराधिकारी आपको जरूर मिलेगा। लोकसभा 62 में क्या कमाल है? कमल खिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ लोग तो कहत बाटे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तब कुछ लोग कहत बाटे कि यहाँ से कमल खिली, और आपके बतावत है कि गांव का देखिए चाय का दुकान बा, और चाय के दुकान पे चुनावी चर्चा तो करे बदे हम यहाँ पे आ गए बाटी, और लोग बतावत है एक तरफ इंडिया तो दूसरे तरफ एनडीए का यहाँ पे लड़ाई बा, और भी एक देखिए सफ़ेद कुर्ता आपके ऐसे देखने में लगा था कि आप कुछ राजनीति करी ना। बहुत बहुत स्वागत है काका बा। नहीं मैं राजनीति नहीं, मैं अध्यापक हूँ सरकारी, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जो पोशाक दिख रहा है पोशाक से लग रहा है कि आप राजनीति करते हैं। ठीक है पोशाक से नहीं कुछ होता है। चलिए यहाँ पे और भी है कि चाय के दुकान, मोदी जी यही चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री हुए, आज चाय बेचने वाले से भी बात करते हैं। क्या कहा बात 2024 कैसी हुई? क्या बोले हाँ भाई, 2024 का चुनाव कैसे रही? मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनल बाटे। इंडिया इतिहाद, इंडिया इतिहाद, इंडिया तो कौन इंडिया?
इंडिया इंडिया राहुल गांधी इंडिया की इंडिया 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 यहाँ पे देख सकते हैं। और भी काका क्या कहेंगे आप, बदलाव चाहिए आपको? किस तरह का बदलाव चाहते हैं? किस तरह का रोजगार, शिक्षा? हम जैसे स्वरोजगार योजना का नाम सुने हैं? अरे ऐसे रोजगार जो झूठा जुमला दिखाते हैं हमें, ऐसे 100 दिन की गारंटी की सरकार गारंटी लेती है। हम सरकार नहीं, सरकार के खिलाफ अगर बोल देते हैं, हम जैसे गरीबों पर मुकदमा चलाते तो कौन जरूरी है? हमें जहां देना है हम दे देंगे। हाँ तो यहां पे देखिए जनता का क्या राय बा, इपौली बा, विधानसभा धनघटा, लोकसभा 62 संत कबीर नगर के जनता का राय जाने बदे आयल बाटी। और कोनो चौराहा पे अगले वीडियो में मिला, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। नहीं बोलेंगे बनल।